औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठाओं का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए। वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासन काल के लगभग अंतिम 25 वर्षों तक उसी अभियान में रहे। वहीं युद्ध के दौरान एक हाथी के प्रहार से चोटिल हो गए, जिससे उन्हें कई दिनों तक चोटिल रहने के बाद भी वे युद्ध लड़ते रहे। युद्ध का लगभग पूरा क्षेत्र हाथियों से भरा हुआ था और लड़ते लड़ते ही अंत में 3 मार्च सन 1707 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।